It's all right. Hush. सो हेलो गाइस, मैं हूं अनिमेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपिमोटो ब्लॉग। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? करते हो सब लोग बढ़िया हो और बढ़िया ही रहना मेरे तरह। सो गाइस, देख पा रहे हो फाइनली मेरे सामने खड़ी हुई है न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 2024 पे नया कलर थीम तो आप लोग प्रोवाइड कर ही रहा है। इसके साथ साथ कंपनी ने 5 से 6 नया अपडेट आप लोग को प्रोवाइड कर रहा है। वो क्या क्या चीज है हर एक मैं डिटेल्स पे आप लोग को बताने वाला हूँ। माइलेज अपडेटेड, ऑन रोड प्राइस, क्या क्या फीचर्स, क्या अपडेट हुआ है, हर एक चीज जानने के लिए आज के इस वीडियो का जरूर एंड तक देखना। एंड मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ रॉयल एनफील्ड विष्णु रॉयल कंपनी। अगर आप रॉयल एनफील्ड का कोई भी व्हीकल बाय करना चाहते हो, डेफिनेटली किसी शोरूम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना। तो चलो इस पहले सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो, देन वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो 2024 पे जो न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 है, इस पे कंपनी ने बहुत सारा अपडेट आप लोग प्रोवाइड कर रहा है। हर एक पॉइंट में डिटेल से बताने वाला हूँ। लेकिन गाइस, पहले की स्टार्ट करते हैं कि गाइस कुछ ऐसा है रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग के साथ। नॉर्मल सी की नहीं है गाइस, वेव की मिलता है एंड दोनों की के अंदर ही रॉयल एनफील्ड का लोगो मिल जाएगा। सो की को डालते की स्लॉट पर, देन गाइस आप लोगों को अपडेट दिखाता हूँ। इग्निशन ऑन करते ही फर्स्ट जो बदलाव आप लोग नोट करोगे, जो पैरल लैंप है ओल्ड मॉडल पे हेलोजन था, लेकिन न्यू मॉडल पे फुल्ली एलईडी प्रोवाइड कर रहा है। इधर पे जो शेप है वो ओल्ड मॉडल की तरह ही है, गन ग्रे एंड उसके साथ साथ ग्लिटरी फिनिश भी प्रोवाइड करेगा। राउंड शेप में हेडलाइट है, उसके ऊपर मैट ब्लैक, लेकिन हेडलाइट जो है वो भी गाइस चेंज हो चुका है। सो फुल्ली एलईडी हेडलाइट सेटअप प्रोवाइड करता है, जिसके लिए लुक्स गाइस बहुत ही ज़्यादा इनहेंस होता है। एलईडी पैरल लैंप, देन एलईडी हेडलाइट सेटअप एंड बीच पे रॉयल एनफील्ड का लोगो है। अगर अपर डिपर करोगे उस टाइम पे ऐसा लुक मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट आप लोग नोट कर पा रहे हो, अभी इस वाले मॉडल पे प्रोवाइड करते हैं फुल्ली एलईडी इंडिकेटर, कंपनी फील्ड हैजर्ड। हैजर्ड को ऑन करने के बाद ओवरऑल गाइस कुछ आप लोगों को ऐसा लुक मिलेगा जो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, क्योंकि एलईडी हेडलाइट सेटअप की वजह से एंड एलईडी लाइट सेटअप की वजह से लुक्स भी इनहेंस होता है एंड बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील आप लोगों को मिलेगा। सो इग्निशन कर लेते हैं इधर पे ऑफ। एंड अगर कलर थीम की बात करूँ, बताइए इस वाले मॉडल पर जो फ्रंट मडगार्ड है वो मेटल के साथ है, लेकिन ट्रिपल टोन कलर थीम भी प्रोवाइड कर रहा है। मैट ब्लैक, कॉपर एंड गन ग्रे, ये जो कलर थीम है मैट है। 41mm डायमीटर के साथ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, जिसके ऊपर रिफ्लेक्टर है, लेकिन सस्पेंशन सेटअप जो है वो भी डुअल टोन है। इधर पे ग्रे मैट, देन इधर पे ब्लैक मैट मिलता है। नेक्स्ट रिम के ऊपर आप लोग रिम टेप नोट कर पा रहे हो, कॉपर कलर के साथ है। 19 इंच के अलॉय व्हील है, 100x90 की ट्यूबलेस टायर, टायर प्रोफाइल ऐसा मिलता है। एंड फ्रंट के साइड पे 300mm का लार्ज रोटर वाइब्रे कैलिपर के साथ। सो ओवरऑल फ्रंट का लुक गाइस आप लोगों को ऐसा मिलेगा, कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताना। इधर पे गाइस आप लोग सिक्योरिटी नॉप पे फिट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर टैंक की बात करूँ, सो 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो अप्रोक्स 30 से लेकर 35 तक। एंड टैंक के ऊपर रॉयल एनफील्ड का 3D एम्बलम मैट ब्लैक, एंड टैंक भी गाइस ट्रिपल टोन कलर थीम के साथ है। इधर पे मैट ग्रे, देन कॉपर एंड मैट ब्लैक, इसके लिए लुक्स बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है एंड अच्छा खासा हेड टर्नर देखने को मिलेगा। इस कलर थीम की वजह से एकदम ही इंडियन मार्केट पे नया है। कंपनी फिर टैंक पैड भी प्रोवाइड करता है। फ्यूल टैंक कैप जो है क्रोम पार्ट के साथ है। E20 का ब्रांडिंग देख पा रहे हो, मतलब 80% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल मिक्स वाला फ्यूल के साथ भी राइड कर पाओगे। ईसीयू वगैरह चेंज हो चुका है, फ्यूल पम्प वगैरह चेंज हो चुका है। साइड जो पैनल है वो भी फुल्ली मैट ब्लैक है, क्लासिक 350 लिखा हुआ है कॉपर एंड ग्रे कलर कॉम्बिनेशन के साथ। एंड इधर पे जो पैनल है ना, ये भी गाइस फुल्ली मैट ब्लैक एंड मेटल के साथ मिलता है दोनों जो पार्ट है ये भी। सो रियल लुक को दिखाने से पहले इग्निशन कर लेते हैं इधर पे ऑन, एंड हैजर्ड को भी ऑन कर लेते हैं। सो अभी गाइस फाइनली आप लोगों को रियर के साइड पर भी एलईडी टेल लैंप विथ एलईडी इंडिकेटर प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी नंबर प्लेट इधर पे फिट होगा। एंड जो मडगार्ड है वो भी गाइस फुल्ली मैट ब्लैक है कॉपर के साथ। इधर पे रॉयल एनफील्ड का छोटा सा स्टिकरिंग मिल जाएगा। इंडिकेटर के ऊपर एंड टेल लैंप के ऊपर पियानो ब्लैक ग्लॉसी कलर देखने को मिलता है एंड इंडिकेटर के ऊपर भी है। सो रियर का लुक गाइस कुछ आप लोगों को ऐसा प्रोवाइड करता है। 270mm का लार्ज लोटर है वाइब्रे कैलिपर के साथ।
एंड इस मॉडल पे आप लोगों को पता ही है डुअल चैनल एबीएस मिल जाएगा। एंड अगर रियर टायर सेक्शन की बात करूँ 120x80 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर 18 इंच का अलॉय व्हील। सो फ्रंट व्हील से रियर व्हील 1 इंच जो है ना छोटा है। सो जो रियर टायर प्रोफाइल है गाइस कुछ आप लोगों को ऐसा मिलेगा। सो ये सारा बदलाव तो लोग प्रोवाइड कर ही रहा है, मतलब कलर थीम कॉस्मेटिक चेंजेस हो चुका है, लाइट सेटअप फ्रंट से लेकर रियर तक पूरा ही एलईडी मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट हुआ है ना गाइस मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा, वो है गाइस आप लोगों को पहले से ही एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल तो मिल ही रहा है, लेकिन जब आप लोग नोट करो गियर मतलब गियर पोजीशन इंडिकेटर प्रोवाइड करे कौन से गियर पे होना वो अभी इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे ही प्रोवाइड कर देगा। देन ट्रिप रियल टाइम माइलेज लेफ्ट साइड पे आई बटन है जिससे गाइस आप लोग इंस्ट्रूमेंट कंसोल को टॉगल कर पाओगे। सो क्लॉक ओडोमीटर ट्रिप ए ट्रिप बी प्रोवाइड करता है एंड राइट साइड पे ट्रिपर नेविगेशन प्रोवाइड करता है, टर्न बटन नेविगेशन मिल जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, बैटरी वोल्टेज शो करता है, क्लॉक शो करता है, एनालॉग पे स्पीड न्यूट्रल लो बैटरी एबीएस इंजन चेकलाइट देन लो ऑयल एंड इंडिकेटर का वार्निंग मिलेगा। नेक्स्ट हैंडल बार पे इधर पे एकदम नीचे पे इधर पे आप लोग यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी आप लोग प्रोवाइड करता है। सो अगर ओवरऑल कॉकपिट का लुक चेक करते हो ना बहुत ज़्यादा इस बढ़िया लग रहा है। इधर पे गन मेटल ग्रे का मैट ग्रे कलर देन ट्रिपल टोन कलर थीम मिलता है, लेकिन जो हैंडल बार है ना वो फुल्ली मैट ब्लैक है। राइट साइड पे इंजन किल स्विच के साथ सेल्फ देन हैजर ऑन ऑफ एंड लेफ्ट साइड पे आई बटन इससे आप लोग इंस्ट्रूमेंट कंसोल को टॉगल कर पाओगे। देन अपर डिपर पासिंग इंडिकेटर हॉर्न ऐसा कुछ हॉर्न है रॉयल एनफील्ड के जैसे मिलता है वैसे सेम टू सेम बहुत ज़्यादा लाउड। सो कॉकपिट का व्यू गाइस ऐसा मिलेगा जब राइडर इस बाइक को राइड करेगा। कैसा लग रहा है गाइस जरूर कमेंट करके बताना। इसके बाद नेक्स्ट अगर अपडेट की बात करूँ अभी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का लीवर मिलता है, उसके साथ साथ एडजस्टेबल मतलब आपके हिसाब से अगर चाहते हो ना एडजस्ट भी कर पाओगे। लीवर क्लच लीवर जो है वो भी गाइस एडजस्टेबल है। देन जो फ्रंट डिस्क मतलब ब्रेक लीवर है वो भी गाइस एडजस्टेबल है। ये भी गाइस एक बढ़िया अपडेट न्यू क्लासिक 350 आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। सो ओवरऑल अगर कलर को चेक करते हो ना बहुत ही ज़्यादा इस बढ़िया है, क्योंकि ऊपर के साइड पे मैट ग्रे कलर देखने को मिलता है लेकिन नीचे के साइड पे ओवरऑल फुल जो बॉडी है मैट ब्लैक के साथ मिलता है। देन क्रोम पार्ट एकदम ही आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा इस कलर थीम के ऊपर। एंड अभी बात करने वाले इस बाइक का मेन पार्ट मतलब हार्ट के बारे में, इंजन पे गाइस क्या बदलाव प्रोवाइड करता है। सो BS6 कंप्लायंट OBD2 एंड फेज 2 का अपडेट के साथ एयर कूल 2-वॉल्व फ्यूल इंजेक्टेड 349 सीसी एंड पावर प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp एट द रेट 6100 rpm एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 27 न्यूटन मीटर एट द रेट 4000 rpm। 5 गियर ट्रांसमिशन मिलता है हिल एंड टो शिफ्टर के साथ एंड इंजन जो है वो भी गाइस फुल्ली मैट ब्लैक है। O2 का सेंसर ना आप लोगों को बेंड पाइप के ऊपर इधर पे देखने को मिलता है एंड बेंड पाइप वगैरह एग्जॉस्ट फुल्ली मैट ब्लैक है जिसके ऊपर एक मफलर भी मिलता है। सो नया इंजन है बाइक करते स्टार्ट एंड गाइस आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट चेकआउट करवाता हूँ। सो ये जो है गाइस आइडल साउंड है, अभी रेव करके देखते हैं। सो ओल्ड मॉडल से मुझे स्मूथनेस एंड रिफाइनमेंट का साउंड ज़्यादा लगा, बेस भी गाइस आप लोगों को अच्छा खासा प्रोवाइड करता है। आप लोगों को एग्जॉस्ट नॉट कैसा लगा जरूर गाइस कमेंट करके बताना। देन जो राइडर फुटरेस्ट है रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग के साथ प्रीमियम क्वालिटी का एंड इधर पे फोल्डेबल मिलता है ऐसा कुछ रियर ब्रेक पैडल। एंड जो पिलियन राइडर फुटरेस्ट है वो भी गाइस फोल्डेबल रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग के साथ फिशगार्ड राइट साइड पे मिल जाएगा कंपनी फिटेड एंड लेफ्ट साइड की अगर बात करूँ इधर पे साड़ी गार्ड के साथ साथ लेडीज फुटरेस्ट भी मिल जाएगा। पकड़ने के लिए इधर पे छोटा सा हुक मिलता है सिर्फ लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पर नहीं है। कंपनी फिटेड डुअल स्टैंड एंड सेक्शन मिलता है सेक्शन इंजन कटअप सेंसर के साथ, और सेक्शन गिरा हुआ रहेगा आप लोग इस व्हीकल को राइड नहीं कर पाओगे। ओपन चेन सेटअप मिलता है सो 500 किलोमीटर के बाद चेन को क्लीन एंड लूप करने की जरूरत पड़ेगा। डुअल स्टैंड भी है इससे फायदा कि अगर किसी भी टाइम पर टायर पंचर हो जाए या आप लोग घर पर चेन क्लीन लूप करना चाहते हो ना उस टाइम पर राइडर को डुअल स्टैंड बहुत ही ज़्यादा गाइस हेल्प करता है। एंड नॉर्मल इधर पे ऐसा कुछ ग्रैब रेल मिल जाएगा। सो ओवरऑल कार्गो वेट है 195 kg एंड ग्राउंड क्लीयरेंस सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं 170 mm। तो चलो ही बात करते हैं इस बाइक का सीट के बारे में। पहले गाइस सीट हाइट आप लोग बता दे रहा हूँ 805 mm का सीट हाइट है। स्पीड सीट मिलता है, राइडर सीट जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है एंड पिलियन सीट जो है वो भी गाइस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। वाइट कलर का स्टिचेस देखने को मिल जाएगा। राइडर एंड पिलियन सीट दोनों गाइस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है एंड कम्फर्टेबल राइड आप लोगों को मिलेगा। एंड रियर के साइड पे ट्विन ट्यूब शॉक ऑब्जर्वर मिलता है फुल्ली मैट ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ। अगर चाहते हो ना इधर से गाइस देख पा रहे हो आप लोग
एडजस्ट भी कर पाओगे। तो चलो ये बात करते हैं मेन पार्ट मतलब प्राइसिंग के बारे में। अगर आप लोग इस कलर थीम को इन कोलकाता बाय करना चाहते हो ऑनर प्राइस है 2,59,900 रुपीज। सो गाइस यही था आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो चलो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। अगर और भी कुछ क्वेरी है जरूर गाइस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। सो बाय।